राजधानी लखनऊ के हिंदनगर स्थित सेंट मिराज इंटर कॉलेज में भजन सम्राट अनूप जलोटा संगीत अकेडमी के विद्यार्थियों से मिलने पहुंचे। इस अवसर पर बच्चों के द्वारा भक्ति में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, जैसे कई भक्ति में भजन हुए जिन्हें सुनकर अनूप जलोटा भी मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने बच्चों को इतनी अच्छी प्रस्तुतियां देने के लिए सराहा। इस मौके पर स्कूल के प्रबंधक विनोद रातो द्वारा पद्मश्री अनूप जलोटा को अंगवस्त्र एवं पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। भजन सम्राट अनूप जलोटा ने बच्चों को संगीत और नृत्य के प्रति अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने कहा, आज पाश्चात्य संगीत हम पर बहुत ही प्रभावित है, परंतु यह क्षणिक मात्र है। हमारे भजन और गीत जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुने जाते हैं और याद रखे जाते हैं, वही सच्चा संगीत है। हम अपनी अनूप जलोटा अकेडमी के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को अपने संगीत की कला से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और आज नई पीढ़ी के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वह हमारे इस संगीत की धरोहर को आगे ले जा सके और देश विदेश में इसका विस्तार। इस मौके पर प्रबंधक विनोद दात्रा ने भजन सम्राट अनूप जलोटा का धन्यवाद दिया कि उन्होंने अपना मार्गदर्शन बच्चों को प्रदान किया। सभी बच्चे भजन सम्राट से मिलकर बेहद उत्साहित दिखे। इस मौके पर अनूप जलोटा अकेडमी से शुभांगी वाजपेयी, गीता मैम, अवनीश सर एवं समस्त शिक्षक एवं विद्यार्थीगण उपस्थित रहे। सर, आज आप लखनऊ में हैं और आज आप लखनऊ में सेंट मिराज इंटर कॉलेज में आए हैं, जहाँ पर नए नए बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियाँ आपके सामने की, इन सब क्या कहेंगे नए जो जनरेशन होंगे? सबसे पहले तो मैं सेंट मिराज इंटर कॉलेज के सभी सदस्यों को, सभी वर्कर्स को, सभी एसोसिएट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना अच्छा बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चों को इतना सही ढंग से आगे बढ़ने का मार्ग दे रहे हैं। यही मार्ग है जो आगे चल के हम सबको एक सुंदर इंसान बना सकता है। मनुष्य को कोशिश करनी चाहिए अच्छी चीजें सीखे, इस तरह का संगीत सीखे, ऐसी पढ़ाई करे तो उसको जीवन में काम आए। ऐसा नहीं है कि वो दो चार महीने कोई गाना पसंद आया और उसके बाद वो गाना मिट गया दिमाग से, ऐसा नहीं। अब ये जिसपे आज डांस दिखाया गया, ऐसी लागी लगन 45 साल से लोग सुन रहे हैं, 45 साल से गा रहे हैं, 3-4 जनरेशन हो गई इसको सुनते सुनते। पायो जी मैंने राम पायो हो तुम चलत राम सब, ये क्यों आज तक सुने जा रहे हैं? इतने वो बात है कि हमारे सांसों से जुड़ा है, हमारे रोम रोम में। इसी तरह से अध्ययन भी होता है, ये सब किया जाता है और मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बच्चों को इस प्रकार से आगे आने की प्रेरणा दी जा रही है। हमारा जलोटा अकेडमी फ्यूचर म्यूजिक इसी लाइन पर काम कर रहा है, इसी ढंग से काम कर रहा है कि लोगों को संगीत सिखाना है, नृत्य सिखाना है, लेकिन वो अलग संगीत सिखाना है, वो नृत्य सिखाना है जो आपके मन को बहुत खुश करे, जीवन भर आप उसका आनंद लें। आप कभी अकेले भी बैठे हो तो आपका मन हो कि वो गाना मैं गा लूँ, वो नृत्य मैं कर लूँ, यही हमारी कोशिश है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारी जो फाउंडर है अकेडमी की शिवांगी वाजपेयी, उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो मेहनत करती हैं, वो काम करती हैं, आपने तो देखे हम लोग कैसे भूल सकते हैं। ये आपके सहयोग के काम जो हम लोग आज कर रहे हैं, जो बच्चों को आप आगे ला रहे हैं। सर, आज आपके स्कूल में भजन सम्राट अनूप जलोटा जी आए हैं, आपके स्कूल में एक अकेडमी चलती है जहाँ पर बच्चे संगीत और नृत्य की शिक्षा लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे सर आज की नई जनरेशन को कितनी जरूरत है इस तरह की अकेडमी की?
बहुत ज़रूरत है। और सबसे पहले तो आभार प्रकट करूंगा भजन सम्राट हमारे अनुज जलोटा जी का, जो यहाँ पधारे पद्मश्री के नाम से चर्चित हैं और बहुत ही रोम रोम प्रफुल्लित है। पूरा विद्यालय खुश था सवेरे से आपका प्रतीक्षा में और प्रसन्न था और बड़ी प्रसन्नता है कि जलोटा अकेडमी ने हमको मौका दिया कि हम लोग यहाँ पर अकेडमी को चलाने का अवसर प्रदान किया। और मैं कोशिश करूंगा अधिक से अधिक बच्चे इन सब चीज़ों से के लाभ उठाएं। एक एक कला है जो शिवांगी जी जो सिखा रही है, इनके हर कार्यक्रम में, हर प्रोग्राम में, हर एक सांग में कला है। मैं इनकी तारीफ बहुत करता हूं और बच्चों से भी अनुरोध करूंगा कि सीखे आगे। और हमारा प्रयास यही है, हम भी क्रिएटिव माइंड के हैं और आशा करते हैं कि यह क्रिएशन और बड़े सब तरक्की करें। जय हिंद, जय भारत। वो हमारे बीच हैं और जैसे कि एकेडमी हमारे मेन एकेडमी का पर्पस ही अनुज जी ने हमेशा हम लोगों को सिखाया है कि आचरण और आपका व्यवहार ये दो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने में। और यही हमारे छह सेंटर के जितने भी सिटी सेंटर्स हैं वहाँ बेसिक यही है। अनुज जी मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत पारिवारिक है। विनोद जी ने हमेशा साथ दिया, ये बच्चों के लिए स्पेशली उन्होंने ये एरिया बनाया है जहाँ नृत्य और संगीत की क्लासेस चलती है। चैनल देशपद न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।